नमस्कार दोस्तों, आज हम सब्सिडी टॉपिक के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सरकार ने एक्स वाई जेड चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दे दी है। आज जानते हैं ये सब्सिडी होती क्या है। मान लीजिए कि मार्केट में गेहूं का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी है और आपने देखा होगा कि सरकार पीडीएस प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब वर्गों को 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अवेलेबल करवाती है। जो बाजार में इसका मूल्य 2 रुपये केजी होता है, इसे बाजार मूल्य कहते हैं, मार्केट प्राइस। ऐसे ही जो इसको प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट लगी है, यानी जो 20 रुपये इसका मूल्य है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन लागत। अब कोई भी व्यक्ति उत्पादन लागत से कम मूल्य पर अपने सामान को क्यों बेचेगा? ऐसे में 20 रुपये केजी में ही हर कोई किसान अपना गेहूं बेचेगा। अर्थात जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास 20 रुपये नहीं है तब वह भूखा ही मर जाएगा। इस स्थिति में गरीब व्यक्तियों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी वह मूल्य है जो उत्पादन लागत और बाजार मूल्य का अंतर होता है। इस उदाहरण में 20 रुपये उत्पादन लागत थी और 2 रुपये बाजार मूल्य, अर्थात इन दोनों का अंतर 18 रुपीज, ये सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। सब्सिडी के अलग अलग उद्देश्य अलग अलग राष्ट्रों में देखे जाते हैं। जैसे विकसित राष्ट्र, आपको लगता होगा कि वहाँ सब्सिडी क्यों ही देंगे, परंतु समझिए विकसित राष्ट्रों में भी कृषिगत एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन 2000 रुपये क्विंटल हो रहा है, वही विकसित राष्ट्रों में सब्सिडी देने के पश्चात उनके गेहूं का मूल्य कम होकर 1800 रुपये क्विंटल होता है। ऐसे में दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं जब जाएंगे तब लोग 1800 रुपये प्रति क्विंटल वाला खरीदेंगे। अर्थात विकसित राष्ट्रों में अपने निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। वही अगर सब्सिडी के प्रकारों पर चर्चा करें तो आप देखते हैं दो प्रकार की सब्सिडी होती है, एक प्रत्यक्ष सब्सिडी और दूसरी अप्रत्यक्ष सब्सिडी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष सब्सिडी लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधी सीधी सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे आप लोगों के खाते में LPG सब्सिडी सरकार देती है। PM किसान कल्याण निधि के बारे में सुना होगा, एक वर्ष में 6000 रुपये की राशि सीधे सरकार किसानों के खाते में डालती है। ये प्रत्यक्ष सब्सिडी के उदाहरण है। वही अप्रत्यक्ष सब्सिडी, लाभ तो लाभार्थी को ही मिलता है परंतु सरकार सीधे उसके खाते में नहीं डालती बल्कि किसी दूसरे मध्यस्थ के खाते में डाल देती है। जैसे लोक वितरण प्रणाली में जो गेहूं 2 रुपये केजी में मिलता है, वहाँ सरकार हमें सीधा इसका लाभ नहीं दे रही होती बल्कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम FCI, उसके माध्यम से सब्सिडी का लाभ हमें मिलता है। अर्थात यहाँ हमें सब्सिडी का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, इसीलिए इस प्रकार की सब्सिडी को अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहा जाता है। इसके उदाहरण आप लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फर्टिलाइजर सब्सिडी आदि के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पर सरकार प्रदान करती है। आशा करता हूँ कि आपको सब्सिडी टॉपिक समझ आया होगा और आपने सुना ही होगा एक चीज कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के मध्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही चीज़ें हमें मोटिवेशन देती है और नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही एक जानकारी भरे वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।